हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे सरसों के बाजारों में और नेफेड की बिकवाली पर। सबसे पहले गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, नेफेड ने सभी जो बोली थी उनको रिजेक्ट कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि बाजार में खाली एक पैनिक क्रिएट किया गया। हमने आपको पहले बताया था कि सरसों का लेवाड़ मिलना मुश्किल ही नहीं है, संभव है। जिस हिसाब की क्वालिटी नेफेड के पास, इसका बायर कहां से मिलेगा? और बायर मिलेगा तो 3,000, 2,000, 4,000 के रेट में मिलेगा, और नेफेड भी नहीं चाहता कि वो 5,500 से नीचे अपनी सरसों बेचे। तो एक खामखा सरकार ने एक ड्रामा या एक पैनिक क्रिएट किया ताकि बाजारों को गिराया जा सके, बाजारों को थोड़ा सा स्टैंड किया जा सके। और इसका पर्दाफाश हुआ है जिस हिसाब से इस बिड को रिजेक्ट किया गया है। वहीं चने की बिड 6,200 के आसपास, 6,300 के आसपास अप्रूवल की गई है। तो एक बहुत ही शानदार बाजार खड़े हैं। और सरसों सीड में तो हम फिर आपको बता रहे हैं, किसी भी लिहाज की मंदी नहीं है। ये आपको बात पहले बताइए, फिर बता रहे हैं। खड़ जो 3,000 के लेवल छू चुकी है, जयपुर जो टारगेट थे 3,000, 3,070 के, ये ऐसा लगता है कि जब अब ये नेफिड की बिड रिजेक्ट हो गई तो ये भाई गोली की रफ्तार से बढ़ेगी। और इसका गोली की रफ्तार से बढ़ना सरसों सीड में बड़ा पॉजिटिव और बड़ा सकारात्मक रह सकता है। खास तौर पे यदि मैं बात करूं ऊपर के लेवल से, जहां तक बाजार 150 रुपए नीचे है, तो अपने दम पर ही सरसों खड़ ही यदि तेल यहां पे स्टैंड करता है, जो स्टैंड करता हुआ नजर नहीं आ रहा है हमें किसी भी लिहाज से। अभी तेल पर एक वीडियो बनाया है, KLC और सरसों तेल पर, पीछे अभी देख सकते हो, वीडियो उपलब्ध है। जिस हिसाब से सरसों खड़े है, यही 150 रुपए की तेजी तो सरसों खड़े कल्ली ही अपने दम पर ला सकती है। ये मेगा बुल रन जो सरसों खड़े में शुरू हुआ है, और ये एक साइक्लिक सिस्टम है कि सबसे पहले मंदी सरसों खड़े में आई थी और फिर तेल में आई थी। और लास्ट ईयर जो तेजी भी शुरू हुई थी, वो सबसे पहले तेजी सरसों खड़े से शुरू हुई थी और फिर सरसों तेल में आई थी। क्या अब जो ये सरसों खड़ फिर 3,000 के पार जाने के लिए तैयार है, 3,070 के अपने टारगेट हैं, ये आई जाएंगे जिस हिसाब से रिजेक्ट किया है, इसी सप्ताह आ जाएंगे, और इसके पार यदि जाती है तो फिर ये मेगा बुल रन में कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी? क्योंकि 3,000 का साइकोलॉजिकल लेवल टूटना किसी भी लिहाज से सरसों खड़ में मंदी का कारक नहीं है। तो जितनी गिरावट सरसों में है और जितनी गिरावट भी आने की यहां से संभावना है, उन सबको सरसों खड़ रोकने के लिए तैयार है। वैसे भी तेल यहां से गिरने वाला नहीं है, तो किसी भी लिहाज से मंदी या मंदी का काम नहीं है, बाजार स्टेबल से पॉजिटिव ही रहना चाहिए। भाव की चर्चा कर लेते हैं। भरतपुर 5,461 रुपए के बाजार रहे हैं, जयपुर 5,850 रुपए के बाजार रहे हैं, खैरतल 5,400 रुपए, 5,430, 5,450 रुपए के बाजार रहे हैं। बड़ौदा में की बात की जाए तो 5,500 रुपए, अलवर 5,550 रुपए, बहरोड 5,550 रुपए के बाजार रहे हैं। टोंक निमई की बात की जाए, टोंक की बात की जाए तो 5,500 रुपए, निमई 5,530 रुपए के बाजार रहे हैं। दूसरी ओर सुमेरपुर और जोधपुर की बात की जाए तो सुमेरपुर के बाजार 5,650 रुपए, जोधपुर 5,650 रुपए, बीकानेर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के राजस्थान में यदि बात की जाए, खास तौर पे कहना चाहूंगा मरु प्रदेश की यदि जिलों की बात की जाए, तो उनमें लैब मील डिलीवरी के सौदे 5,600 रुपए पर होते, 5,625, 5,550 पर हुए, वहीं मंडियां लैब प्लस 1,000 तक बिकती हुई नजर आई है। दूसरी ओर यदि मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा की मंडियों में दादरी 5,500 रुपए के बाजार रहे हैं, भिवानी 5,430 रुपए के बाजार रहे हैं, शिवानी 5,450 रुपए के बाजार रहते हुए नजर आए हैं, रेवाड़ी 5,450 रुपए के बाजार रहते हुए नजर आए हैं। वहीं दूसरी ओर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मथुरा मंडी से शुरुआत की जाएगी, मथुरा मंडी 5,550, 5,560 रुपए के बाजार रहे हैं। अलीगढ़ मंडी की यदि बात की जाए तो 5,000 रुपए के, झांसी 5,000 रुपए के बाजार रहते हुए नजर आए। प्लांटों के भाव की बात की जाए तो 6,225 रुपए कोटा और अलवर, और 6,275 रुपए आगरा वाले प्लांट के भाव रहते हुए नजर आए हैं। 5,950 रुपए इनका आगरा का BP प्लांट रहता हुआ नजर आया। तो कमोबेश ये स्थिति बाजारों में आज मंडती हुई नजर आई है, और गोयल कोटा के भाव 5,750 रुपए रहे हैं। तो सरसों खड़ का मेगा बुल रन जारी रहेगा, और सरसों सीड में किसी भी प्रकार की गिरावट आने से
ये बाजार में रोकता ही रहेगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।